भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर देश व समाज को जहर युक्त खाद्य सामग्री से निजात दिलानी होगी। इस प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस मोटे अनाज का प्रयोग करने से अपने भोजन की थाली को जहर मुक्त बनाया जा सकता है। प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी लाडवा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक डॉ. पवन सैनी ने विधिवत रूप से जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव का अवलोकन भी किया तथा किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि विभाग की योजनाओं को अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। और
उसमें आपने रहना है। मोटे अनाज के ऊपर चर्चा हो रही है, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। हमारे मलिक साहब ने और हमारे डॉक्टर सी डी सिंह जी ने मोटे अनाज के बारे में बताया है। 2023 हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि हमें मोटे अनाज को उपयोग करना चाहिए। हम उस मोटे अनाज को भूल गए थे। हमारे बुजुर्ग मोटे अनाज को उत्पादन करते थे, मोटा अनाज ही खाते थे, परंतु एक ऐसा प्रचलन चला कि इस मोटे अनाज को ही हमने छोड़ दिया। और जब हमने वो छोड़ा, ये भाग दौड़ की जिंदगी है, तेज रफ्तार की जिंदगी है, इस भाग दौड़ की और तेज रफ्तार की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति ये भी सोचता है कि ज्यादा पैदावार हो। पैदावार अच्छा है कि हमारे खेत के अंदर ज्यादा पैदावार होनी चाहिए, परंतु हमने उसका भी संतुलन बना करके रखना चाहिए कि हमने एक नारा तो दिया हरित क्रांति का, हरित क्रांति का लाभ भी हुआ है, परंतु जब से हरित क्रांति आई मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी इसको देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, जब मैं अनाज लेकर के मंडी में जाता था और मंडी के अंदर मैं देखता था कि जो वहां श्रमिक था वो श्रमिक एक क्विंटल की बोरी सर के ऊपर पीठ पे रख करके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, आज भी मैं देखता हूं, आज मैं देखता हूं कि वही श्रमिक है आज वो 35 किलो की बोरी को ऊपर तो ले चल सकता। ये अंतर आ गया। ये कहीं ना कहीं हमने उसका संतुलन नहीं बनाया है। हम ज्यादा पेस्टिसाइड की तरफ चले गए, ज्यादा खाद की तरफ चले गए, और उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के अंदर आ गए। ऐसे दुष्परिणाम आए कि कोई व्यक्ति ये बच नहीं रहा कि वो डॉक्टर के पास ना जाता, किसी ना किसी रूप के अंदर वो ज्यादा डॉक्टर के पास जा रहा है, उसका खर्चा बढ़ गया है, कई ऐसी बीमारी है आ गई है जिनका पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। घातक बीमारी आ गई है, कैंसर बड़ी जल्दी से बड़ा है, उसका आज भी इलाज नहीं है कहीं ना कहीं।